हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा ASLV अमाडो स्पेशलिस्ट व्हीकल के बारे में। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सर द्वारा ये बताया गया कि ASLV अमाडो, जो कि इसका नाम रखा गया है, उसके फर्स्ट बैच की डिलीवरी स्टार्ट कर दी गई है और साल 2025 तक आर्मी को सभी 1300 व्हीकल डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये एक 4x4 व्हीकल है, जिसे आर्म्ड फोर्सेस की हाई क्वालिटी डिफेंस व्हीकल को फुलफिल करने के लिए साल 2021 में सेलेक्ट किया गया था और 1300 व्हीकल का ऑर्डर लगभग 1060 करोड़ रुपए की लागत से दिया गया था, यानी कि पर यूनिट कॉस्ट 80-90 लाख के बीच में है। इस व्हीकल को इस तरीके से बनाया गया है कि आर्मी इसे किसी भी ट्रेन में क्विकली मूव करने के लिए यूज कर सकती है, जहां पर इस व्हीकल के हर एक व्हील में अलग अलग टॉर्क भेजा जा सकता है। मतलब कि ये मान लीजिए, अगर ये व्हीकल किसी भी उबर खावर जगह से निकल रही है और कहीं एक जगह पर जाकर इसका एक व्हील नीचे फंस जाता है, तो वहां पर बाकी के 3 व्हील के ऊपर अलग अलग और एक्स्ट्रा टॉर्क लगाकर, यानी कि पावर भेजकर, व्हीकल को ईजिली उस गड्ढे से मूव करवाया जा सकता है। इसके अलावा, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करती है, तो ऐसे में हमारी चिंदी एनिमीज द्वारा फायर किया जाता है, तो उस फायर से बचने के लिए इस व्हीकल में एस्टेनैग लेवल 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है। एस्टेनैग नाटो द्वारा दिया जाने वाला एक प्रोटेक्शन लेवल है, जिससे पता चलता है कि व्हीकल कितनी फोर्स की कनेटिक एनर्जी, यानी कि गन से फायर की गई बुलेट, आर्टिलरी की सेल और IED ब्लास्ट को झेल सकती है। इसके टोटल 6 लेवल होते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये एक लाइट व्हीकल है, तो इसके अंदर एस्टेनैग 2 लेवल का प्रोटेक्शन ऐड किया गया है, जिसके अंतर्गत ये 30 मीटर की रेंज से फायर किया जाने वाला 7.62x39mm की बुलेट और 6 kg तक के एक्सप्लोजिव को झेलने में सक्षम है। इस व्हीकल में 215 हॉर्स पावर की मल्टी फ्यूल डीजल इंजन ऐड किया गया है। इसके अलावा 4x4 फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक, 1000 kg तक के पेलोड कैपेसिटी, सेल्फ रिकवरी वेंच और हाई लेवल ऑल व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम को ऐड किया गया है। और इतना ही नहीं, अगर क्लाइमेट डस्टी हो या फिर न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल हमलों में क्रू को सेफ रखने और हवा को प्योर बनाए रखने के लिए इसमें सेल्फ क्लीनिंग टाइप एग्जॉस्ट और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को भी ऐड किया गया है। इस व्हीकल की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं ये 12 सेकंड में 0 से लेकर 60 किलोमीटर की स्पीड को अचीव करने में सक्षम है। इसके अलावा ये व्हीकल फ्लैट टायर के ऊपर 50 किलोमीटर तक इजीली रन कर सकता है। इंडियन आर्मी को ऐसे टाइप के व्हीकल की नीड बहुत सालों से थी, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बहुत ही स्लो है, तो ये अब जाकर इस व्हीकल को इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया है। वैसे इंडियन आर्मी अब अपने सारे मेकेनाइज्ड व्हीकल के ऊपर तेजी से इंडक्ट करने को लेकर काम कर रही है, जिसमें सभी कैटेगरी के आर्मर्ड व्हीकल शामिल हैं। इसमें महिंद्रा ASLV के अलावा महिंद्रा MVP 1, रेनॉल्ट सेरपा, महिंद्रा मार्क्समैन, टाटा मर्लिन, टाटा वैप और कल्याणी M4 व्हीकल शामिल हैं। इसमें से कुछ के ऑर्डर होने अभी बाकी हैं और वहीं बाकी के व्हीकल्स के ऑर्डर को फर्दर इंक्रीज किया जा सकता है। बॉर्डर एरिया, जहां हमारे सोल्जर्स किसी भी ओपन जीप से पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर कोई एनिमी घात लगाकर अटैक करता है, जैसा कि हाल ही में हमने पुंछ में देखा, तो ऐसे में व्हीकल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और इससे हमें हमारे सोल्जर्स की जान का नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस टाइप के व्हीकल इन सभी तरीकों के घटनाओं से हमारे सोल्जर्स को बचाए रख सकते हैं, और ये चीज़ हमारी टॉप प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि एनिमी जब सामने से आता है या फिर कहीं छुपा हो, तो फिर हमारी फोर्सेस क्या कर सकती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे उन वीर सोल्जर्स के ऊपर जब कायरतापूर्ण हमला किया जाता है, तो उसके लिए इस तरीके के और भी व्हीकल को इंडक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।